नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट चौक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट्स के शेड्यूल के बारे में, कहां से क्या प्रोसेस चल रहा है पूरी डिटेल बताऊंगा। 15 मई के बाद में भी बताऊंगा आगे क्या आने वाला है। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करेंगे, मैं बता दूँ 7 मई से लेकर 13 मई तक यानी मिशन वंदे भारत 1 में 15,000 के करीब रिकवर किए जाएंगे जो फंसे हुए बंदे हैं 13 तारीख तक। उसके बाद में 15 तारीख यानी एक दिन गैप छोड़ के बाकी 15 मई से स्टार्ट होगा दोबारा। तो उसमें संख्या साथियों लगभग ये मान लो डबल कर दी गई है, 25,000 यात्री आएंगे अगले 7 दिनों में लेके। जो सेकंड जो मिशन भारत 2 होगा उसमें 25,000 यात्री इंडिया पहुंचेंगे अलग अलग जगह पे। वो आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा कहां से क्या प्रोसेस रहेगा, अभी उनका कोई अपडेट है नहीं मेरे पास में। तो मैं साथियों बता दूँ, पहली बात आज कोची से उड़ान भरी है साथियों मस्कत के लिए फ्लाइट, ठीक है, जो आज या कल में बंदों को लेके रिकवर आ जाएगी। मलेशिया के लिए एक फ्लाइट इंडिया से पहुंची है, दोनों की खास बात है कि फ्लाइट महिलाएं हैं, अच्छी बात है। कोरोना जैसी महामारी में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों में महिलाएं पायलट हैं, दोनों आज दोपहर को उड़ान भर चुकी हैं, आज या कल में रात या कल में पहुँच जाएगी वापस इंडिया। सेकेंड बात बता दूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर कि क्वारंटाइन का कितना पैसा लगेगा, तो भाई मोटा मोटी अंदाज लगा लीजिए, बाकी अपडेट है नहीं। सिंगापुर से वापस आए हैं 35 बंदे इंडिया, अब वो वापस आए हैं वहाँ से वापस आए हैं या यहाँ से गए थे वो वापस आए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन मैं बता दूं कि उनको भाई सिंगापुर रहते हैं तो पैसे वाले तो हैं ही ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। उनको 5-स्टार होटल में ठहराया गया है, उनमें से काफ़ी जो बोल रहे थे भाई हम खर्चा करने के लिए तैयार है, एसी का रूम चाहिए हमें, ग्रेटर नोएडा में उनको 5-स्टार होटल में रखा गया। 5-स्टार होटल साथियों देख लीजिए, इतनी महंगी में 5-6 हज़ार से नीचा रूम नहीं मिलता, लेकिन इनका खर्चा मात्र 2,000 रुपये पर डे पड़ेगा, यानी 24 घंटे के 2,000 में रहना प्लस खाना प्लस सब कुछ आ जाता है उसमें। तो 2,000 मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। एसी की भी मांग करी कि हमें एसी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, भाई एसी से भी वायरस फैलता है, ये काफ़ी सारे ट्रेनों में भी फैल चुका है, ऑफिसों में वगैरह वगैरह। हमारे इंडिया के हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसी चलाना बंद कर दिया, तो एसी तो इनको मना कर दिया गया। बाकी 5-स्टार होटल का इनका खर्चा 2,000 है, जिसमें रहना खाना सोना सब कुछ है, प्लस टैक्स भी शामिल है उसी में। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5-स्टार होटल का 2,000 किराया है, तो नॉर्मल में जो सरकार आपको रखेगी मान ले हॉस्टल में या फिर कोई स्कूल में या फिर कोई हॉस्पिटल में, तो वहाँ का कितना होगा? तो मेरे हिसाब से कोई 5/6 हिस्सा होना चाहिए भाई, 200 से लेके 400 तक के बीच में रहना खाना सब कुछ हो जाना चाहिए। 10 दिन रखेगी तो ये देख लीजिए 2-3 हज़ार का खर्चा है, कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है। इनमें से कुछ जो बोले सर हम अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको गवर्नमेंट ने अपनी जगह जहाँ पर उनको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया वापस, तो समझ गए होंगे कि क्वारंटाइन का कितना पैसा लगेगा। बैड न्यूज़ ये है साथियों कि कल की डेट में दुबई से जो फ्लाइट आई थी, दो, एक अबू धाबी से आई थी और एक दुबई से आई थी, दोनों की जो यहाँ आए उनको क्वारंटाइन किया गया, उनकी जांच की गई, तो 2 आदमी उसमें पॉजिटिव निकले कोरोना से। अब यार ये कैसे पहुँच गए मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पर बोलते हैं कि हमने चेक करेंगे, अगर उनमें लक्षण पाए गए तो वापस कर देंगे, तो उनको तो चेक किया है ना, यानी 3-4 घंटे में ये कैसे पॉजिटिव हो गए? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2 पॉजिटिव पाए गए हैं, केरला के थे दोनों, उनको अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो भाई आने वालों थोड़ा सा सावधानी होके आइए। दूसरी बैड न्यूज़ और बता दूं साथियों, सिंगापुर में टोटल 18,000 संक्रमित हैं, उनमें से 4,800 बंदे इंडियन हैं। कितनी बड़ी बात है ये, 18,000 में से 5,000 बंदे इंडियन कोरोना संक्रमित हैं, और इनकी एक ही वजह है सिंगापुर। आपको पता है इतना सा है, मुर्गी का अंडा देखा होगा आपने, इतना सा है सिंगापुर, इतनी ज़्यादा भीड़ है और रहने की जगह बहुत कम है ये मान लीजिए। तो इस वजह से वो हॉस्टल टाइप में रहते थे, तो उस वजह से इनको ज़्यादा, एक बंदे को हुआ और आगे से आगे फैल के 5,000 बंदों में पहुंच गया। अब कितने मरेंगे क्या होगा भाई कुछ नहीं पता। हमारे पीएम साहब ने भी वहाँ के पीएम से बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके बंदों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन देखो आगे होता है क्या। यूपी प्रयागराज का एक बंदा था साजिद नाम का, ठीक है साथियों, वो बंदा सऊदी अरबिया गया था, पढ़ा लिखा बंदा है और वो कोई आर्किटेक्चर ऐसे कुछ जॉब से रिलेटेड वहाँ पे गया था। 3.5 महीने उसको हुए थे, उसका वीज़ा भी नहीं लगा, आने वाला था इंडिया वापस, वो घूमने के लिए गया, कैसे गया मुझे नहीं पता, इतना उन्होंने बताया नहीं। अब 27 मार्च की उसकी फ़्लाइट थी, लॉकडाउन हो गया तो उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब वो साथियों आज कल की डेट में इंडिया पहुँचा था, आते ही उसने
मैं एयरपोर्ट के अंदर सबसे पहले अपनी धरती को चूमा, यानी माथे के लगाया, यानी वो रोने लग गया। उसकी इतनी मतलब याद आई इंडिया की कि इंडिया जैसा देश मुझे कहीं नहीं लगा। मुझे तो ये लगा कि हम सऊदी में मर जाएंगे। खाने को पैसे नहीं थे, जो पैसे ख़त्म हो गए, टिकट के पैसे नहीं थे, उधार पुधार लेके इंडिया पहुँचा। आज के बाद मैं कभी विदेश नहीं जाऊँगा, मेरे लिए तो मेरा इंडिया ही अच्छा है, मैं यहीं पर जॉब कर लूँगा। तो भाई वो फिल्म आपने देखी होगी, सनी देओल, बेबी देओल, धर्मेंद्र की, अपने तो अपने होते हैं। अब लोग गाली तो गुस्से में आके कितना ही दो, लेकिन विदेश की धरती पे आप चाहे करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। आना आपको इंडिया ही है, यहाँ आप चाहे रुखी रुखी भी खा लोगे, लेकिन इंडिया ही अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, साथ में मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखिए। उसको देख के हर कोई आदमी उसको गौर से देख रहा था कि यार कितना मतलब बंदा खुश हुआ अपनी धरती पर आते। उसको लगा कि सऊदी में मर जाएंगे, हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट से के द्वारा वो रिकवर कर लिया गया, इंडिया पहुंच गया। आज की डेट की ये न्यूज़ है। तो बस साथियों, आज के लिए यही न्यूज़ है। आगे जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।